ये सर भाजी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का बाजार कुछ सुस्ती के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या इस सुस्ती के बाद एक निचले स्तर से खरीदारी भी निकलेगी? बाजार तेजी की तरफ कम दिख रहा है, लेकिन एक जो त्योहारी मांग है वो इसको सपोर्ट दे सकती है। लेकिन इसका खुद का अभी बहुत ज्यादा भी देखिए, जिस तरीके से सोयाबीन के अंदर हमने गिरावट देखी और फंडामेंटल भी काफी कमजोर हो चुके हैं, तो इस बार सोइंग भी काफी अच्छी खासी बताई जा रही है, वहीं कुछ एक जगहों पर फसलें भी खराब बताई जा रही है, तो काफी मिला जुला सा रुझान है। तो अभी फिलहाल बाजार जो है एक रेंज बाउंड एक्टिविटी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। इंस्टेड ऑफ सरसों अभी मेरे को लगता है कि एक बार तेजी की तरफ वापिस से जा सकती है, सरसों के अंदर 9000 का स्तर वापिस से देखने को मिल सकता है, जबकि सोयाबीन और रिफाइंड सोयाबीन में इतनी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है, छुटमुट खरीदारी देखने को मिल सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग टर्म पोजिशन इसमें बनाकर नहीं चलना चाहिए, शॉर्ट टर्म में जो भी स्ट्रेटेजी लगती है उस हिसाब से आप ट्रेड करें। फिलहाल के लिए इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से इसमें बाइंग करके चला जा सकता है। जी,